नमस्कार दोस्तों, मैं सुमान शुक्ला स्वागत करता हूं आपका तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग लेसन पढ़ रहे हैं पी ब्लॉक के तत्व, जिसके पिछले लेक्चर आपके कवर कर दिए गए। सो दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 5.4। दोस्तों, लेक्चर नंबर 5.3 में आपसे डिस्कस किया गया था कि हैबर विधि के द्वारा अमोनिया कैसे बनाई जाएगी। तो वहाँ पर लास्ट लेक्चर में हमने क्या बताया था आपको, आपको ये बताया था कि एक भाग नाइट्रोजन और तीन भाग हाइड्रोजन आप लेंगे तो उससे क्या मिल जाएगा, अमोनिया मिल जाएगी। लेकिन कब मिलेगा, जब आयरन और मॉलिब्डेनम क्या होगा, उत्प्रेरक उसमें होगा। सो दोस्तों, उसका हमने फिगर भी बनवाया था और लास्ट लेक्चर में हमने आपसे ये भी कहा था कि इस फिगर की आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। और हमने लास्ट लेक्चर में आपसे ये भी डिस्कस किया था कि इस फिगर का जब आप प्रैक्टिस करेंगे और इसका फुल डिस्कशन कहाँ होगा, अगले लेक्चर में होगा। सो दोस्तों, उसका डिस्कशन आज के लेक्चर में ही होना है। सो दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 5.4। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में भी आपको यही फिगर बनवाया था, सेम फिगर बना हुआ है, इसी का हम आज डिस्कशन करेंगे कि हैबर विधि के द्वारा अमोनिया को आखिरकार कैसे बनाया गया है। सो दोस्तों, लास्ट लेक्चर में ये आपको फिगर बनवाया गया था, वहां पर हमने क्या बताया था, इसे क्या कहते हैं, ये जो होता है इसे हम कहते हैं संपीडक, इसे शुष्कन कक्ष, इसे उत्प्रेरक कक्ष, इसे संघनित्र, इसे क्या कहते हैं, परिसंचरण पंप कहते हैं। अब दोस्तों, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जाती है और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कहाँ से जाती है, फिर आगे की प्रक्रियाएं क्या होती हैं, इसको भी दोस्तों हम डिस्कस करने वाले। सो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये जो आपको नली दिखाई दे रही है, यहाँ से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जाती है। कौन कौन जाता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन संपीडक में प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है, संपीडक में। ये संपीडक लिखा हुआ है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कहाँ प्रवेश करती है, संपीडक में प्रवेश करती है। और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब संपीडक में प्रवेश करती है तो उससे होता क्या है, इसको देखेंगे। जब ये संपीडक में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आ जाती है, फिर ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन यहाँ से कहाँ जाती है, शुष्कन कक्ष में जाती है। शुष्कन कक्ष में जब गई तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो गई है शुष्कन कक्ष में, शुष्कन कक्ष का मतलब क्या होता है, उसके अंदर जितनी भी नमी होगी वो अवशोषित कर लेगा। कौन करेगा, शुष्कन कक्ष करेगा। या उसके अंदर जितनी भी अशुद्धियां हैं वो अवशोषित कर लेगा, कौन करेगा, शुष्कन कक्ष करेगा। शुष्कन कक्ष क्या करता है, इसकी नमी को और इसमें उपस्थित अशुद्धियों को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। किसमें उपस्थित अशुद्धियों को, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में। फिर यहाँ से शुष्कन कक्ष से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का मिश्रण निकलता है और कहाँ जाता है, अभी आप ऊपर की तरफ नहीं ध्यान देंगे, ये यहाँ से निकल के कहाँ जाता है, नीचे आके किसमें चला जाता है, उत्प्रेरक कक्ष में जाता है। और उत्प्रेरक कक्ष में क्या रखा, आयरन और मॉलिब्डेनम। और आपको क्या पता है सर, एक भाग नाइट्रोजन और तीन भाग हाइड्रोजन आयरन और मॉलिब्डेनम की उपस्थिति में क्रिया करके क्या बनाते हैं, अमोनिया बनाते हैं। यानी इस उत्प्रेरक कक्ष में अब क्या बन चुकी है, इस उत्प्रेरक कक्ष में अब क्या बन चुकी है, अमोनिया बन चुकी है। फिर यहाँ से जो अमोनिया होती है वो कहाँ जाती है, ये दिया है संघनित्र। संघनित्र में अमोनिया आती है और संघनित्र में क्या होता है, पानी होता है, ऊपर से गिरता रहता है, जिससे वो क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। अमोनिया जब ठंडी होती है, ठंडी होकर धीरे धीरे क्या हो जाती है, संघनित्र में नीचे की तरफ आ जाती है। नीचे की तरफ ये नली लगी हुई दिखाई दे रही है आपको, इसको क्या बोलते हैं, यहाँ से द्रवित अमोनिया। यानी अमोनिया जो प्राप्त होती है वो आपको किस फॉर्म में प्राप्त होती है, लिक्विड फॉर्म में प्राप्त होती है। यहां से आपको क्या मिल गई, अमोनिया मिल गया। लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ है, फिर भी जो कुछ गैसी मिश्रण ऐसा होगा जो अमोनिया नहीं बन पाया होगा, जो अमोनिया नहीं बन पाएगा वो इससे निकलकर फिर कहां जाता है, वो आता है परिसंचरण पंप में। कहां आता है, परिसंचरण पंप में। यहां से नली लगी हुई दिखाई दे रही है आपको, ये परिसंचरण पंप में आता है। फिर परिसंचरण पंप से कहां जाता है, फिर यहां से निकलता है और इस लाइन के सहायता से यहां से आकर फिर कहां आता है, शुष्कन कक्ष में आता है। शुष्कन कक्ष में आने के बाद फिर यहां से निकलता है, फिर कहां आता है, उत्प्रेरक कक्ष में। फिर कहां जाता है, संघनित्र में। फिर यहां से द्रवित अमोनिया प्राप्त होती है, फिर भी जो गैसीय मिश्रण बचता है वो फिर कहां आता है, परिसंचरण पंप में आता है। परिसंचरण पंप से फिर कहां जाता है,
फिर शुष्कन कक्ष में जाता है, फिर शुष्कन कक्ष से कहाँ आता है, उत्प्रेरक कक्ष, फिर संघनित, फिर प्रसंचरण पंप, फिर प्रसंचरण पंप से, इस तरीके से ये प्रक्रिया क्या होती रहती है, लगातार चलती रहती है। ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और हमको यहाँ से क्या मिलता रहता है, अमोनिया प्राप्त होती रहती है, जो किस फॉर्म में होती है, द्रव के फॉर्म में होती है, यानी लिक्विड फॉर्म में हमको अमोनिया प्राप्त होती रहती है। कैसे प्राप्त होती है, हैबर विधि के द्वारा अमोनिया हमको लिक्विड फॉर्म में प्राप्त होती है और ये क्रम क्या होता है, लगातार चलता रहता है। सबसे पहले हमने क्या किया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को कहाँ प्रवेश कराया, संपीडक में, संपीडक से निकलकर वो कहाँ गए, शुष्कन कक्ष में, शुष्कन कक्ष में क्या हुआ, उसमें उपस्थित अशुद्धियाँ क्या हो गई, अवशोषित हो गए। शुष्कन कक्ष से निकल के कहाँ जाता है, वो जाता है गैसीय मिश्रण उत्प्रेरक कक्ष में। फिर ये जो गैसीय मिश्रण उत्प्रेरक कक्ष में क्या होता है सर, आयरन और मॉलिब्डेनम रखा होता है, इसकी उपस्थिति में वो गैसीय मिश्रण आपस में क्रिया करते हैं, यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का मिश्रण आपस में क्रिया करता है, आयरन और मॉलिब्डेनम की उपस्थिति में क्या बना देता है, अमोनिया बना देता है। फिर उत्प्रेरक कक्ष अमोनिया कहाँ आती है, संघनित्र में आती है, संघनित्र में अमोनिया आपको संघनित्र के निचले भाग से आपको द्रवित अमोनिया प्राप्त हो जाती है, बचा हुआ गैसीय मिश्रण परिसंचरण पंप में पहुंचता है, परिसंचरण पंप से यह पुनः कहां पहुंचता है, शुष्कन कक्ष में, और यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है जिससे हमें द्रवित अमोनिया प्राप्त होती रहती है। दोस्तों जो चीज यहां पर बताई है एज इट इज, जैसा बताया गया है वैसा ही बिल्कुल आपको नोट्स में दिया गया है, उसकी पूरी विधि आपको लिखी गई है वहां पर। और दोस्तों जैसा सभी को पता रहता है वो नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दिया हुआ है, लिंक पर जाना है, क्लिक करना है, पीडीएफ को डाउनलोड करना है और नोट से ज़रूर पढ़ना है। जो भी प्रोसेस हम यहाँ पर बता रहे हैं, संपीडक में गए, संपीडक से कहाँ गए, शुष्कन कक्ष में, शुष्कन कक्ष से कहाँ गए, उत्प्रेरक कक्ष में, उत्प्रेरक कक्ष से संघनित्र में गए, संघनित्र से फिर कहाँ गए, प्रसंचरण पंप से गए, प्रसंचरण पंप में से फिर कहाँ निकल के आ गए, फिर शुष्कन कक्ष में, फिर उत्प्रेरक कक्ष, फिर संघनित्र, फिर प्रसंचरण पंप, और ये प्रक्रिया क्या करती रहती है, लगातार चलती रहती है और आपको क्या प्राप्त होता रहता है, द्रवित अमोनिया प्राप्त होती रहती है। सो दोस्तों जैसा लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था कि हैबर विधि के द्वारा अमोनिया को कैसे प्राप्त किया जाएगा, वो वहां पर फिगर कंप्लीट कर दिया था आपका, और आज हमने पूरा विधि भी आपको कंप्लीट कर दिया है ताकि आपको हैबर विधि के द्वारा अगर अमोनिया का कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आप आसानी से उसको कर सकते हैं। और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात आपसे जरूर बोलेंगे कि फिगर की आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, इस लेसन में बहुत सारे फिगर्स हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर एक फिगर या दो फिगर है ये हम बाद में बना लेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, बहुत सारे फिगर, जितनी भी चीजें पढ़ेंगे उन सभी चीजों के यहाँ पर आपको फिगर मिलेंगे और उन फिगर की आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। सो दोस्तों जैसा कि हमने हैबर विधि के द्वारा अमोनिया बना लिया है, जब हम कोई भी चीज बना लेते हैं फिर हम आगे क्या पढ़ते हैं, तो हम उसके पढ़ते हैं भौतिक गुण पढ़ते हैं और रासायनिक गुण पढ़ते हैं। सो दोस्तों बढ़ते हैं हैबर विधि के द्वारा अमोनिया के भौतिक गुण क्या होते हैं, आइए दोस्तों देखते हैं और फिगर को हटाते हैं। तो दोस्तों बात कर रहे हैं हैबर विधि के द्वारा अमोनिया कैसे बनाया गया, ये हमने देखा, उसका फिगर कैसे बनाया गया ये हमने देखा। अब हम बात करते हैं जो अमोनिया आपको मिली है, जो द्रवित अमोनिया आपको हैबर विधि के द्वारा प्राप्त हुई है, उसके भौतिक गुण क्या होते हैं। सो दोस्तों पहला भौतिक गुण लिखा है, यह रंगहीन होती है, साफ साफ लिखा गया है यहाँ पर, यह कैसी होती है, रंगहीन। रंगहीन का मतलब होता है कलरलेस, यानी इसमें किसी भी प्रकार का कोई कलर नहीं होता है। सो दोस्तों इसमें कोई कलर नहीं होता है, पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसमें विशेष प्रकार की तीक्ष्ण गंध होती है, यानी ये गंधहीन नहीं होती है, ऑर्डरलेस नहीं होती है, बल्कि इसमें एक ऑर्डर होता है। ऑर्डर का मतलब इसमें एक प्रकार की गंध होती है जो बहुत ही तीक्ष्ण होती है। सो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इसमें विशेष प्रकार की तीक्ष्ण गंध होती है। नेक्स्ट पॉइंट, यह जल में विलेय होती है। ध्यान रखिएगा, पहली बात नाइट्रोजन क्या होती है, जल से सॉरी वायु से हल्की होती है, और अमोनिया क्या होती है, जल में विलेय होती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा गया है, यह आंखों के लिए हानिकारक होती है, ध्यान रखिएगा पॉइंट, यह किसके लिए हानिकारक होती है, आंखों के लिए। कैसे हानिकारक होती है ये भी मेंशन किया गया है, इसके सूंघने से
आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। अगर आप अमोनिया को सूंघते हैं तो आपके आंखों से क्या निकलने लगेंगे? आंसू निकलने लगेंगे। इसीलिए कहा गया है ये आंखों के लिए क्या होती है? हानिकारक होती है। और कौन हानिकारक होता है? अमोनिया गैस। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं हैबर विधि के द्वारा अमोनिया को कैसे किया जाएगा, उसका फिगर कैसे बनाया जाएगा, उसकी विधि आप समझ चुके होंगे। अब दोस्तों हमने पढ़ लिया है इसके भौतिक गुण, अब बढ़ते हैं कहाँ? हैबर विधि के द्वारा जो अमोनिया मिलती है इसके रासायनिक गुण क्या होते हैं? आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हैबर विधि के द्वारा प्राप्त अमोनिया से रासायनिक गुण। जैसा कि हमने रासायनिक गुण की हेडिंग बना लिया है, केमिकल प्रॉपर्टीज को बोलते हैं। अब दोस्तों पहला रासायनिक गुण क्या होता है? अमोनिया का फॉर्मूला होता क्या है? NH3 होता है कि नहीं होता है? 2 times आप अगर अमोनिया ले लेते हैं तो ये क्या हो जाती है? ये अपघटित हो जाती है। ध्यान रखिएगा, 2 times आप अमोनिया क्या हो जाती है? अपघटित हो जाती है। किसमें अपघटित होगी? सर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में क्या हो जाती है? अपघटित, यानी N2+3H2। ये इसमें क्या हो गई? अपघटित हो गई। इसका मतलब क्या हुआ? सर नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन लेने से क्या बनती है? अमोनिया बनती है। या हम क्या कह सकते हैं, सर ये जो अमोनिया होती है वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में क्या हो जाती है? अपघटित हो जाती है। अपघटित का मतलब होता है टूटना, यानी जिनसे वो मिलकर बनी है उनमें टूट जाती है। या हम कह सकते हैं जिनसे मिलकर बनी है उनमें वो क्या हो जाती है? पूरी तरीके से टूट जाती है। कौन टूटता है? अमोनिया टूटती है। अमोनिया क्या होती है? सर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में अपघटित हो जाती है। ये इसका पहला रासायनिक गुण है। बढ़ते हैं दूसरे रासायनिक गुण की तरफ। सर बात करते हैं अमोनिया, अमोनिया का फॉर्मूला NH3। जब भी किसी चीज का रासायनिक गुण पढ़ते हैं तो उसको तो लेते ही लेते हैं। अब दोस्तों अगर हम कराएं इसकी किससे रिएक्शन? H2O से। किससे रिएक्शन करा दें? वाटर से रिएक्शन करा दिया जाए तो हमको मिलेगा क्या? तो हम आपसे पूछें, सर ये बताइए यहाँ पर कि कितना नाइट्रोजन है? आपका आंसर क्या होगा? सर 1 नाइट्रोजन है। चलिए 1 नाइट्रोजन लिख लिया। कितना हाइड्रोजन है? 3, 2, 5 हाइड्रोजन है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? सर NH4OH लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल, 1 ऑक्सीजन था, 5 हाइड्रोजन थे। जरा देखिए, 1 नाइट्रोजन, 5 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ, 5 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन यहाँ। अब ये क्या हो गया सर? NH4 को क्या बोलते हैं? अमोनियम बोलते हैं। OH को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सो दोस्तों जैसा हमने देखा हैबर विधि के द्वारा जब हम अमोनिया को बनाते हैं तो उसको कैसे किया जाएगा, उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि इसके रासायनिक गुण क्या होंगे। तो हमने पहला रासायनिक गुण क्या पढ़ा कि जो अमोनिया होती है वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में क्या हो जाती है? अपघटित हो जाती है या टूट जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा, सर जो अमोनिया होती है वो जल से अभिक्रिया करके क्या बना देती है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना देती है। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगली रिएक्शंस की तरफ और देखते हैं हैबर विधि के द्वारा अमोनिया के कुछ और रासायनिक। तीसरा रासायनिक गुण है, बात कर रहे हैं सर अमोनिया की, रासायनिक गुण की बात करेंगे तो अमोनिया को तो हमको लेना पड़ेगा। अब हम रिएक्शन करा दें अमोनिया की किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ रिएक्शन कराएं? ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो देखते हैं हमको क्या मिलेगा। यहां पर हम लेते हैं 4 times ऑफ अमोनिया, यहां पर लेते हैं 5 times ऑफ ऑक्सीजन। 4 times ऑफ अमोनिया लीजिए, 5 times ऑफ ऑक्सीजन लीजिए, तो आपको क्या मिलेगा? यहां पर मिलेगा नाइट्रस ऑक्साइड। कितने टाइम नाइट्रस ऑक्साइड मिलेगा? 5 times नाइट्रस ऑक्साइड मिलेगा। और आपको क्या मिल जाएगा दोस्तों? जल मिल जाएगा। कितना जल मिल जाएगा? 6 times ऑफ वाटर मिल जाएगा। सिंपल सी बात है सर, 4 times ऑफ अमोनिया और 5 times ऑफ ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? इसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। और दोस्तों इसका नाम तो किसी को नहीं पता होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, सभी को पता सर। इसको क्या बोलते हैं? वाटर बोलते हैं। कब ये हुआ? जब अमोनिया ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो आपको क्या मिला? नाइट्रस ऑक्साइड मिला। जैसा हमने सबसे पहली रिएक्शन क्या देखा कि अमोनिया जो होती है वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में अपघटित हो जाती है। दूसरी रिएक्शन क्या देखा सर? अमोनिया जब वाटर के साथ रिएक्शन करती है तो क्या बनाती है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाती है। अब हम क्या देख रहे हैं? अगर अमोनिया ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है तो हमको क्या मिलता है? नाइट्रस ऑक्साइड मिलता है। और हमको क्या मिलता है? जल मिलता है। इसी प्रकार कुछ और रिएक्शंस भी हैं, उनको भी देखते हैं। तो अमोनिया की बात करते हैं, NH3 किसके साथ रिएक्शन करेगी? अगर इसकी रिएक्शन हम 3 times ऑफ क्लोरीन के साथ करा दें, किसके साथ करा दिया जाए?
थ्री टाइम्स ऑफ क्लोरीन के साथ करा दिया जाए तो हमको मिलेगा क्या, इसको देख लेते हैं सर। यहां से हमको मिलेगा NCl3 मिलेगा। कितने टाइम्स ऑफ क्लोरीन के साथ, थ्री टाइम्स ऑफ क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो हमको क्या मिलेगा, NCl3 मिलेगा। इसको क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। क्या बोलेंगे इसको, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड मिलेगा। अब दोस्तों बात करते हैं सर, नाइट्रोजन एक था, नाइट्रोजन एक निकल गया, क्लोरीन है कितने आपके पास, तीन दुना छः क्लोरीन है। आपने यूज कितने कर लिए, तीन क्लोरीन यूज कर लिए और तीन क्लोरीन अभी बचे हुए हैं और तीन हाइड्रोजन भी बचे हुए हैं। तीन हाइड्रोजन बचे हैं, तीन क्लोरीन बचे हैं, तो इसका मतलब क्या आप इसको थ्री टाइम्स ऑफ HCl लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। आंसर क्या होगा, यस सर बिल्कुल लिख सकते हैं। ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। कब मिला आपको, जब अमोनिया क्लोरीन के साथ रिएक्शन करती है तो आपको नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्राप्त होता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये रिएक्शन ऐसे ही नहीं आ जाती हैं, जब तक आप इन रिएक्शन पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ये रिएक्शन ऐसा कोई मेथड नहीं है कि इनको आपको याद करवा दिया जाए। ये आप जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये रिएक्शन नहीं तैयार होंगी, क्या आप जान ही नहीं पाएंगे कि किस रिएक्शन के करने से क्या मिलेगा। अब दोस्तों इसमें कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, आपको इन चीज़ों को प्रैक्टिस करना है, ध्यान रखना है, मेमोराइज करना है, तभी ये चीज़ें आप आसानी से कर सकते हैं। ध्यान क्या रखना है सर, अमोनिया क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके नाइट्रोजन, सर यहाँ पर नाइट्रोजन होगा, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड बनाती है और क्या देती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड देती है। दोस्तों हमने लगभग चार रिएक्शन देख लिए, चलिए एक रिएक्शन और देख लेते हैं अमोनिया। यहाँ पर हम ले लेते हैं अमोनिया और किसके साथ रिएक्शन करा दे, क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करा देते हैं। किसके साथ, इसको क्या बोलते हैं, क्यूप्रस ऑक्साइड। तो दोस्तों यहाँ पर अमोनिया होगा, अमोनिया का फॉर्मूला NH2 नहीं बल्कि NH3 होता है, तो इसको क्या बोलते हैं सर, अमोनिया बोलेंगे। इसको क्या कहेंगे सर, क्यूप्रस ऑक्साइड। कितनी अमोनिया ले लें, दो भाग अमोनिया ले लीजिए, तीन भाग क्यूप्रस ऑक्साइड ले लीजिए, तो यहाँ से आपको मिलेगा क्या। तो दोस्तों जब आप देखेंगे अमोनिया क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो N कितने हैं, दो है कि नहीं है, इसका मतलब यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, नाइट्रोजन मिल जाएगी यानी N2 मिल जाएगा। कॉपर कितने हैं, तीन कॉपर हैं कि नहीं है, बिल्कुल हैं सर। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा सर, कॉपर मिल जाएगा। और क्या बचा हुआ है भाई आपके पास, सर हाइड्रोजन बचा हुआ है, यानी हमको यहाँ से क्या मिल जाएगा, थ्री टाइम्स ऑफ H2O मिल जाएगा, थ्री टाइम्स ऑफ H2O मिल जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या देखा, जब अमोनिया क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करती है तो आपको क्या मिलेगा, नाइट्रोजन कॉपर और जल मिलेगा। सिंपल सी बात है सर, यहाँ नाइट्रोजन दो थे, दो नाइट्रोजन, तीन कॉपर था, तीन कॉपर ले लिया। हाइड्रोजन कितने हैं, तीन दुना छः, यहाँ देखिए तीन दुना छः है कि नहीं है। और यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, तीन ऑक्सीजन है, बिल्कुल है। यहाँ पर हमने क्या देखा सर, यहाँ से हमने ये देखा कि हैबर विधि के द्वारा जो अमोनिया बनाई जाएगी उसके भौतिक गुण क्या होंगे, उसके रासायनिक गुण क्या होंगे। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम नाइट्रिक अम्ल के बारे में कि नाइट्रिक अम्ल को कैसे पढ़ा जाएगा, कैसे इसको बनाया जाएगा, कैसे उसका फिगर होगा, इन सब चीज़ों की भी हम बात करेंगे। सो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।